राजनीति का कहरा पढ़ाने वाली राजनीतिक धरोहर रायबरेली में नगर निकाय चुनपैच। रायबरेली में नगर निकाय चुनाव के लिए वर्तमान मंत्री व पूर्व मंत्री के साथ साथ सदर विधायक की शाख भी दांव पर लग गई है। पार्टियां जीत के लिए हर हथकंडे तक अपनाने को तैयार हैं, पर जनता ने भी इस बार अपना मूड बना तो लिया, पर अपने हाथ में इस बार के चुनाव भी निर्णय को लेकर बंद रखा है। आखिरकार रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र की जनता किस ओर अपना मूड बना रही है, इसकी झलक आपको स्थानीय लोगों की जुबानी सुनाते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है सदर सीट रायबरेली की कांग्रेस के पक्ष में जानी चाहिए, क्योंकि इस माहौल में रायबरेली का माहौल जो इस समय चल रहा है कांग्रेस का ठीक चल रहा है, और बीजेपी में अधिकतर मोस्टली देखा जाए तो ऐसे कम ही लोग हैं जो शालिनी जी को पहचानते हो या पहचानते हो, गांव वगैरह यहाँ जो भी वार्ड में है ना के बराबर जानते हैं। और रही बात दूसरी सपा की, तो सपा में तो जो जिसको अखड़ा किया गया है वो तो ना के बराबर समझिए आप। और कुल मिला के हम यही से कहना चाहेंगे कि कांग्रेस रायबरेली के लिए अच्छी है और कार्यकाल भी अच्छा रहा इनका कांग्रेस का पिछले वर्ग देखा जाए तो। बीजेपी में भी मनोज पांडे जी जब थे तब नगर पालिका सभा अध्यक्ष में, तब भी उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा बहुत सराहनीय था, और उसके बाद जब मन्नी हुए तो उनका भी कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। अब मन्नी कांग्रेस में है तो ऐसा में प्रतीत हो रहा है कि शायद कांग्रेस अब की बार अध्यक्ष पद की सीट पर अपना वर्चस्व कायम करेगी। दिवाकर सिंह गोखले, क्या लग रहा है इस बार माहौल? नगर पालिका का माहौल बहुत ही अच्छा है और भाजपा के पक्ष में है। भाजपा बहुत ही मजबूत कैंडिडेट शाली कनौजिया जी हैं, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव की हैं और काफ़ी मदद की है इन लोगों ने। कोरोना काल में बीरबल जी ने काफ़ी लोगों की मदद की है, इसका फायदा भी कनौजिया जी शालिनी कनौजिया जी को मिलेगा और वो जीत जो अग्रसर है उन्हें संदेह वो जीत रही हैं। क्या नाम है? शेखर शुक्ला। देखिए रायबरेली शहर जो पिछले 5 साल से गंदगी और भ्रष्टाचार नगर पालिका परिषद में झेल रहा है, उसका इस बार बिल्कुल परिवर्तन होगा। इस बार नगर पालिका परिवर्तन करने जा रही है और अध्यक्ष पद ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जिसका जो सपोर्टर है, जो सपोर्ट कर रहे हैं पारसनाथ जी का, के लिए हम लोगों की इच्छा है, हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि हम पारसनाथ का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पीछे जो एक टीम है समाजवादी पार्टी की, मनोज पांडे जी हैं जिन्होंने एक अपने कार्यकाल के दौरान नगर पालिका को नगर पालिका बनाया था। तो हमारी लोगों की व्यक्तिगत इच्छा है कि पारसनाथ जी को जीता है। नो डाउट वो आदमी बहुत सरल व्यक्ति है, एक तो वो क्रीमी लेयर से नहीं है कि उनका बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड हो, बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो, ऐसा भी नहीं। एक सरल व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, जो कि जब इसकी सबके बीच पहुंच है और नो डाउट वो जो है अच्छा विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रशोर पाल। नगर पालिका का चुनाव है, इस बार क्या माहौल रहेगा? इसमें वातावरण माहौल तो हमें अच्छा है, आगे लोग कार्य भी अच्छा हो रहा है, इसीलिए गुंडाराज भी नहीं है कोई। मतलब पार्टियों की वो नहीं ना, वो नहीं है। तो सदर से किसे निकाल? यहाँ तो भाजपा निकलेगी। एक क्या नाम है? सुधीर श्रीवास्तव। नगर पालिका का चुनाव है, माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल इस समय बीजेपी का चल रहा है भैया, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं कोई तोड़ नहीं है भैया। पूरे जिले के अंदर आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो भय का माहौल था पूरा खत्म कर दिया है हमारे योगी जी ने। योगी मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो सुविधाएं दे दी हैं, जात धर्म कुछ भी नहीं देखा इन्होंने, सबको सुविधाएं दी इन्होंने, और कॉलोनी और गैस जितनी भी सुविधाएं हैं और जितने एक्सप्रेसवे भाजपा सरकार बने हैं, उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, जितने हवाई अड्डे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बने हैं, किसी सरकार में बने, इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहेंगे आप? आपको मालूम है आपका नगर पालिका का प्रत्याशी कौन है? शालिनी कनौजिया जी हैं, हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। सपा कांग्रेस कहीं नहीं है भैया, कहीं है ही नहीं है। शालिनी कनौजिया जी बहुत आगे चल रही हैं और हम लोग जीत के दिखाएंगे। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे मोदी जी की तरफ से, हमारे योगी जी की तरफ से, कोई तोड़ ही नहीं है भैया, जीतना ही जीतना है।